हाय गाइस, अगर मैं आपको बता दूं कुछ आज, तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मिस्टर रियाज जो है वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा आपको कि नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। वैसे नमाज के बारे में झूठ या गलत बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मिस्टर रियाज जो है वो नमाज पढ़ते हैं या नहीं, वैसे ज़्यादातर सेलिब्रिटी लोग जो होते हैं ये बिजी होते हैं, काम में बहुत ज़्यादा काम होता है इन्हें करने के लिए, और ये जो नमाज वगैरह का वक्त निकल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ज़्यादातर जो भी नमाज मिल जाती है ना वो पढ़ लेते हैं, वरना ये ऐसा होता है कि जुम्मा की तो पढ़ते ही हैं। जुम्मा की नमाज़ तो ज़रूर अदा करते हैं, सबको पता है कि जुम्मा की नमाज़ को अदा करना ज़रूरी समझते हैं लोग समझते हैं कि जुम्मा की नमाज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम मुसलमान हैं, और बहुत ज़रूरी समझते हैं, जैसे जुम्मा की नमाज़, ईद की नमाज़, ऐसी नमाज़ों को ज़रूरी समझते हैं और पढ़ते हैं। और वैसे बाकी नमाज़ तो सारी की सारी ज़रूरी होती हैं, जो नमाज़ें फ़र्ज होती हैं दिन में 5, तो वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। लोग सोचते हैं कि बस जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली तो हम मुसलमान हैं और अब बचे रहेंगे। लोग सोचते हैं कि जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया, मैं मुसलमान रहा, और सोचते हैं बस एक जुम्मा की नमाज़ पढ़ते रहना चाहिए और बाकी नमाज़ें जो हैं कभी पढ़ लेते हैं, कभी नहीं मिल जाती है तो पढ़ लेते हैं, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि काम में आदमी बिजी रहता है और नमाज़ों को भूला रहता है। तो गाइस, मैं ऐसी ही छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन टिकटॉकर या यूट्यूबर जो भी जैसा भी मिलता है उनकी छोटी मोटी न्यूज़ ला के आपको देता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं यूट्यूब से पहले वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू।